मोहतरम सामईन इकराम, ये ऑडियो सुनने से पहले मैं आप लोग एक गुजारिश करूंगा, जो भी हजरात चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि वहाबी देवबंदी और जो सिया राबजी है ये चैनल को रिपोर्ट मारने के चक्कर में पड़े हैं और इसे डिलीट करने के चक्कर में हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ऐसे हमारे बहुत सारे टीम काम कर रही है, तो उन चैनलों को भी सपोर्ट करें, जैसे जमशेद अली ऑन हक, नूर हसन रजवी बरकाती नेटवर्क और रिफायत अली ऑफिशियल और राहिल खान ऑन हक और जो रजा का नहीं वो हमारा नहीं। ये सारे चैनल जो वहाबी देवबंदी के रद्द में हैं और भी दीगर चैनल है जो वहाबी देवबंदी को रद्द करता है, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बहुत ही ज़्यादा मेहरबानी होगा सपोर्ट के लिए। जजाकल्लाह खैर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी कौन साहब? जी मैं अब्दुल मन्नान बोल रहा हूँ। अब्दुल मन्नान सीतामढ़ी बिहार से। जी सीतामढ़ी बिहार। सीतामढ़ी जी जी जी। अच्छा अच्छा, सुन्नी हनफी बरेलवी जी। बरेलवी रजवी। माशाल्लाह, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह हजरत, खैरियत? जी दुआ अल्लाह का फजल, आप बताए क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल करम है, आपकी दुआएं हैं। माशाल्लाह, आपकी आपका वो सुनता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा, शुक्रिया। अपने दोस्तों में शेयर भी करता हूँ। माशाल्लाह। और ऐसे ये आप माशाल्लाह आप जो है उन बदबख्तों को ऐसा लाजवाब करते हैं कि हाँ बस ये सब आप सबकी दुआएं हजरत, आप जैसे बुजुर्ग दुआएं देंगे तो इंशाल्लाह उसका इसी तरह रिजल्ट मिलता रहेगा। इंशाल्लाह बड़ा अच्छा काम आप कर रहे हैं जी, बड़ी खुशी होती है। ऐसे लोग दो चार लोग और हो जाए तो इनको जो है छुपाने का जगह नहीं मिलेगी। बात करते हैं कभी आप लाइव आते नहीं कि कम से कम हम लोग देखे भी तो अपने जो है मोहसिन को। मैं आता था पहले, मगर जब से हमारे एक सुन्नी ओलामा ने मुझसे मना किया है मैं नहीं आता हूँ। और नहीं भी है, जरूरी भी है, बहुत अच्छा है। हाँ, मुझे कहा कि एक तरफ मसलक के आला हजरत का दम भरते हो, दूसरी तरफ मसलक के आला हजरत के खिलाफ काम कर रहे हो, तो आप तो अगर काम करना है तो वीडियो पे आना जरूरी नहीं है, तस्वीर पे आना जरूरी नहीं है, आप ऑडियो के जरिए भी काम कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है इंशाल्लाह, मैंने कहा आज के बाद मैं कभी भी मतलब वीडियो पे नहीं आऊंगा। नहीं, कभी कभार होता नहीं, जब से मैंने उनसे वादा किया है अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी वीडियो पे नहीं आया हूँ। हाँ, और ना मुझे इस तरह का कोई शौक है। हाँ, उस पे भी जो मैं आया था तो वो इसलिए आया था कि कहीं लोग ये ना कहें कि मतलब डर रहा है। नहीं भाई आप। हाँ, तो फिर जब से मुझे मना किया मैं फिर अब जो है वीडियो पे नहीं आता हूँ, खुलेआम मैं नंबर दे देता हूँ। नहीं बहुत अच्छा है जी, बड़ी खुशी हुई है। दुनिया का कोई भी देवबंदी, कोई भी बड़ा से बड़ा आलिम अगर बात करना चाहे तो बात कर सकता है, और हमें अपनी बात बता दे और हमसे हमारी बात सुन ले। जी, जो लोगों को बेहतर लगेगा, आवाम को बेहतर लगेगा, उसी पर चल देंगे। हाँ हाँ, जो जिस पर चलना चाहे, जो जिसके साथ रहना जी चाहे, है ना? हाँ, फैसला हो जाने के बाद भी लोग आड़े रहते हैं ना जी। हाँ, कुरान पाक में सब कुछ है वाजे जी जी। हाँ, आदमी जिधर को चलना चाहता है अल्लाह ताला उसे उधर ही चला देता है, अगर कोई हक को तलाश करता है तो अल्लाह ताला उसे हक का रास्ता अता कर देता है, जो गलत रास्ता चाहता है तो उसे अल्लाह ताला ढील दे देता है, जा कहाँ तक जाएगा। सही फरमा रहे हैं। हाँ तो हजरत सीतामढ़ी में आपकी आवाज भी मसाला बहुत अच्छी है, बात करने का अंदाज भी बड़ा अच्छा है। अच्छा लगता है सुनने में, बहुत अच्छा लगता है सुनने में माशाल्लाह। कह नहीं सकते, अकीदत है आपसे, सुनते सुनते ही बड़ी अकीदत है।
शुक्रिया शुक्रिया जजाकल्ला। बस आप लोग जो है मेरी सपोर्ट करें। जी जी बिल्कुल सपोर्ट। और सपोर्ट का मतलब ये कि मैं आप तक पहुंचा रहा हूं और आप दूसरों तक पहुंचा दें जी, और उन लोगों को बताएं, जमीनी स्तर पर भी समझाएं और ऑडियो के जरिए से भी समझाएं। अगर कोई मिले आपका खास आदमी तो उसको चैनल भी सब्सक्राइब करा दें, ताकि वो भाई भी अगर सुनेंगे इंशाल्लाह तो उससे फायदा उठा सकते हैं। जी 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 हाँ, अक्सर भाई मुझे ऐसे मिलते हैं, कहते हैं कि नूर हसन भाई, पहले हमें इन लोगों का इल्म नहीं था, मालूम नहीं था कि ये लोग ऐसे होते हैं, तो हम लोग इन्हीं के साथ थे, मगर जब से हमने आपकी ऑडियो सुनना शुरू की है तो हम लोग इन लोगों से बचने लगे हैं, दूरी इख्तियार कर ली हम लोगों ने इनसे। आपके बात करने का अंदाज बड़ा अच्छा है, और ये है कि बात आज वक्त ये कह रहा है कि हकीकत है। पहले आप वो जैसे पहले तकरीर झाड़ के और जो शीली होती है उसकी तो कतई जरूरत ही नहीं है जी। और आप लोग गुस्सा भी नहीं होते हैं, अगर खुद भी गुस्सा होते आपको गुस्सा आता नहीं है, तो ये एक अंदाज है, बहुत अच्छा अंदाज है और यही अंदाज होना चाहिए, क्योंकि बात रखने का अवसर होता। पहले ये होता था कि अपने उलमा गुस्से में आ जाते थे, बात फाइनल हो नहीं पाती थी। अब माशाल्लाह करिए कि बहुत अच्छा लगता है। असल में मैं इन लोगों में रह चुका हूँ ना हजरत, तो मैं भी बहुत कुछ इन लोगों की हकीकत को जानता हूँ, समझे। जी जी तो इनको मैं पलटने का मौका नहीं देता हूँ कि ये अपनी बात से जो है वापस पलटें और मुकर करें, सब कुछ पहले ही इनसे मैं जो है उगलवा लेता हूँ। जी जी समझे हजरत। हाँ और हेलो जी सुन रहा हूँ जी फरमाइए जी। इंशाल्लाह बात होती रहेगी। हाँ 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 बिल्कुल इंशाल्लाह। हमने आपको अपने दोस्त के तौर पर जो है किया है कि आप भी मुझे दोस्त बनाए, इंशाल्लाह चलाएगा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। चलिए चलिए ठीक है हजरत, चलिए ठीक है फिर हजरत। मैं कहीं आया हुआ था, कहीं रास्ते में हूँ, तो इंशाल्लाह करता हूँ फिर बाद में बात है। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।